दुर्ग न्यायालय परिसर में लगा इस वर्ष का तीसरा नेशनल लोक अदालत, जहां दुर्ग डीजे ने रखे गए सभी प्रकरणों के स्टॉल का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान लगभग 9,500 पेंडिंग केस रखे गए हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन में तथा डॉक्टर प्रज्ञा पचौरी प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के निर्देशन में जिला न्यायालय एवं तहसील व्यवहार न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके तहत जिला न्यायालय दुर्ग, कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग, व्यवहार न्यायालय भिलाई 3, व्यवहार न्यायालय पाटन एवं व्यवहार न्यायालय धमदा तथा किशोर न्याय बोर्ड, श्रम न्यायालय, स्थायी लोक अदालत, जनोपयोगी सेवाएं, राजस्व न्यायालय एवं उपभोक्ता फोरम दुर्ग में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि वर्ष 2024 के इस तृतीय नेशनल लोक अदालत में कुल 133,162 मामले निराकृत तथा अवार्ड राशि प्राप्त हुई। इस दौरान नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ डॉक्टर प्रज्ञा पचौरी प्रधान जिला न्यायाधीश दुर्ग द्वारा किया गया। इस दौरान श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग एवं रविशंकर सिंह सचिव जिला अधिवक्ता संघ एवं अन्य पदाधिकारीगण, न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण तथा विभिन्न बैंक के प्रबंधक उपस्थित रहे। गौरतलब है कि इस तीसरी नेशनल लोक अदालत में कुल 34 खंडपीठ का गठन किया गया, जिसमें परिवार न्यायालय दुर्ग में 3 खंडपीठ, जिला न्यायालय दुर्ग में 26, तहसील न्यायालय भिलाई 3 में 1, तहसील पाटन में 1, तहसील न्यायालय धमदा में 1, किशोर न्याय बोर्ड में 1 तथा स्थायी लोक अदालत दुर्ग के लिए 1 खंडपीठ का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त राजस्व न्यायालय में भी प्रकरण निराकरण हेतु खंडपीठ का गठन किया गया था। आपको बता दें वर्ष 2024 की तृतीय नेशनल लोक अदालत में कुल 8,333 न्यायालयीय प्रकरण तथा कुल 1,24,829 प्री लिटिगेशन प्रकरण निराकृत हुए, जिसमें समझौता राशि प्राप्त रही। उक्त नेशनल लोक अदालत में निराकृत प्रकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के 11,600 किलोमीटर दूर कनाडा में निवास करने वाले व्यक्ति से हुआ राजीनामा मामला खंडपीठ क्रमांक 13 पीठासीन अधिकारी विवेक नेताम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग के न्यायालय का है। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आशीष डहरिया ने प्रतिक्रिया दी। आज दिनांक को इस वर्ष की तृतीय नेशनल लोक अदालत है। इस लोक अदालत में पेंडिंग केसेस हम देखें तो लगभग 9,500 पेंडिंग केसेस को आइडेंटिफाई करके रखा गया है, और प्री लिटिगेशन की बात करें तो लगभग 1,20,000 केसेस को आइडेंटिफाई करके रखा गया है, जिसमें लगभग लगभग प्री लिटिगेशन 1,00,000 से अधिक डिस्पोजल होने की उम्मीद है, और पेंडिंग केसेस लगभग लगभग 6,000-7,000 डिस्पोज होने की उम्मीद है। जो नेशनल लोक अदालत है, जो लोक अदालत का एक प्लेटफॉर्म है, ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें जैसे आपके केसेस बहुत दिनों से पेंडिंग है कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट पहले से ही ओवरबर्डन है जो सबको पता है, और केसेस लंबे चलते हैं, तो नेशनल लोक अदालत एक बहुत अच्छा जरिया अपने केस को जल्दी खत्म कराने का, जिसमें राजीनामा के माध्यम से केस का निराकरण किया जाता है। अगर दोनों पार्टी आपस में राजीनामा करने को तैयार है तो वो केस को नेशनल लोक अदालत में रखा जाता है और दोनों पार्टी की सहमति से डिस्पोज किया जाता है, जिससे दोनों पार्टी अब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं, और फ्यूचर में कोई केस आने का, दोनों के बीच झगड़ा होने का जो चांसेस है वो भी काफी कम हो जाता है। मैं आशीष डहरिया, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। इस लोक अदालत में पूरे दुर्ग जिले में लगभग 34 खंडपीठ बनाई गई है, ठीक है, जिसमें पाटन न्यायालय में 1, भिलाई 3 न्यायालय में 1, धमदा न्यायालय में 1, और 31 दुर्ग जिले के मुख्यालय में बनाई गई है। मेन लोक अदालत में राजीनामा करना के बेनिफिट्स होते हैं काफी सारे। सब प्रथम बेनिफिट, आपका केस बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। दूसरा, यहाँ जो केसेस आप राजीनामा से डिसाइड होते हैं उसकी अपील नहीं होती,
और वो एक सिविल डिग्री होती है जो एग्जीक्यूटिवल रहती है। प्रथम और अगर आप सिविल केसेस राजीनामा करते हैं तो जो कोर्ट फी लगती है न्यायालय में वो भी माफ हो जाती है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।